जय जवान जय किसान जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत रोज की तरह आपको दिखाने वाला हूँ इंदौर मंडी में भाव। किसान भाइयों आज दिनांक 6 अप्रैल और 2024 और वार है शनिवार और हम देखने वाले हैं इंदौर मंडी में आखिर आलू का क्या भाव है। किसान भाइयों, आलू की आवकों की बात करें तो 10 से 12 हज़ार कट्टों के आसपास आलू की आवकें हैं। और अगर भाव की बात करें तो भाव ये मान के चलिए कि आज जो ज्योति वाला वो 23 रुपये तक भी बिका है, जो मैंने आगे बताया है। बाकी अगर मार्केट देखें तो 20 से 22 रुपये तक अच्छा वाला माल गया है। चिप सोना भी कहीं ना कहीं 22 रुपये तक अच्छा वाला बिका है। बाकी उसके बाद देखा जाए तो गोल्टा जो छोटी गुल्ला है वो 10 रुपये के आसपास बिका है। और उसके अलावा बड़े में बात करें तो 14 रुपये 15 रुपये तक भी बिका हुआ है। बाकी ओवरऑल मैंने भाव आगे लिया हुआ है, भाव मैंने बताया है, आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। और अब धीरे धीरे अब वापस से आलू के वीडियो अब चालू हो जाएंगे। आप लोगों को जिन किसान भाइयों को शिकायत रहती थी कि आलू के वीडियो क्यों नहीं आते हैं, तो मैं उनको बता दूं, मैं कहीं ना कहीं पेशे से एक शिक्षक भी हूं, तो मैं टीचिंग का काम भी करता हूं। तो अभी मेरी वो जो ऑनलाइन वाली जो मतलब ऑनलाइन दोपहर में क्लास है और शाम को मेरी ऑफलाइन चलती है खुद की कोचिंग क्लास, और सुबह में मैं क्लास लेता हूँ, तो वो क्लास मेरी ख़त्म हो गई है। तो अब आपको धीरे धीरे आलू के वीडियो भी मिलना चालू हो जाएगा रेगुलर बेस से। तो सोमवार से वैसे रेगुलर बेस पे आपको आलू भी मिलेगा। और जिन किसान भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दे। और जो किसान भाई बोलते हैं हमको आपको वीडियो नहीं मिलते हैं, तो दो कारण है मुख्य रूप से। पहला कारण तो ये कि या तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, या दूसरा कारण है कि जैसे मेरा वीडियो आता है वैसे आप लाइक नहीं करते होंगे। तो अगर आप लाइक करेंगे तो यूट्यूब को समझ में आ जाएगा आपको इस तरह के वीडियो पसंद है और वो आपके सामने मेरे वीडियो लगातार भेजता रहेगा जो मेरे जैसे मेरा वीडियो आता है। चलिए आगे मैंने भाव दिया है, भाव ज़रूर देखिए और आपको मंडे से अब लगातार कहीं ना कहीं आलू के भाव भी मिलना चालू हो जाएंगे। 13 रुपये गुल्ला, 13 रुपये के हिसाब से बिका कहीं ना कहीं ये वाला गुल्ला 13 रुपये, 950 लगा हुआ है इसका, 9.5 रुपये के हिसाब से डन हो गया किसान भाई। ये वाला क्या किसान भाई 9.5 के हिसाब से, अरे 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 वाला बिका किसान भाई गुल्ला 9.5 रुपये के हिसाब से, 9.5। ये 10 रुपये 10 रुपये के हिसाब से, 10 रुपये ये वाला किसान भैया 10 रुपये के हिसाब से डन। 2151 लगे हुए हैं और 22 की डिमांड है कहीं ना कहीं। और ये वाला क्या है 21 कौन सा वाला ज्योति चिप सोना भाई मत कर, ये क्या 21 रुपये के हिसाब से सोना चिप्स। और ये वाला भी 20 रुपये के हिसाब से। दादा का कुछ नहीं ला जवान, क्या क्या आलू आज 20 रुपये चिप्स होना 20-21 रुपये और बाकी दूसरा वही 20 रुपये का आसपास, 20 रुपये का आसपास। आवक अंदाज एक अंदाज आवक कितनी होगी आज? आवक कुछ भी 10-15 हज़ार कट्टे के बीच 15, बस इतनी कम है आज? क्या बात कर रहे हो, ज़्यादा नहीं है मतलब। चलिए जय जवान जय किसान। इस दुकान का माल है क्या क्या? चल अपना आईएस क्या गया 2050 ये 12 रुपये लगा हुआ है। 14 बोले बोले लगा हुआ 15 1 15 2 15 15। ये वाला क्या 15 रुपये के हिसाब से गया कहीं ना कहीं 15 रुपये। ये वाला बिका कहीं ना कहीं 23 पक्का 23 कितना 23 ना ओ दादा 23 रुपये के हिसाब से बिका है ज्योति आलू है कहीं ना कहीं बड़ा साइज है कहीं ना कहीं 23 रुपये के हिसाब से। क्या क्या ये वाला 20 ये वाला बिका कहने के 20.5 रुपये के हिसाब से ये कौन सा वाला दादा? ये ज्योति वाला ही है क्या कि सोना चिप से 20.5 वाला बिका ना है, इसमें बड़ा साइज भी आ रहा है छोटा भी है कहीं ना कहीं। जय जवान जय जवान जय किसान। क्या क्या ये वाला 21 लगा हुआ फिलहाल कहीं ना कहीं 1400 कौन सा वाला है गुल्ला किसका है? अरे कौन सोना जब से कौन सा है? चौदह सौ लगा हुआ किसान भाइयों। क्या नाम? 1400 ये वाला क्या किसान भाई 1400 रुपये के हिसाब से 1400 साढ़े दस रुपये ये वाला क्या गुल्ला 10.5 रुपये के हिसाब से 10.5 रुपये के हिसाब से 10.5। ये वाला पैक हो गया लेकिन ये वाला गया था 23 रुपये के हिसाब से
यही था ना वो 23 वाला, कहाँ गए वो?